एक राजनेता कैसे अपने लोगों की दुख दिक्कतों को न सिर्फ महसूस करता है बल्कि उन्हें दूर करने के लिए शिद्दत से कोशिश करता है। ऐसी ही कई कोशिशों को लगातार मुकाम तक पहुंचा रहे हैं हाईवे मैन ऑफ इंडिया यानी नितिन गडकरी जी। महाराष्ट्र के भंडारा जिले ने भी इन कोशिशों को कामयाब होते देखा है। सालों से इंतजार कर रहे भंडारा को 421 करोड़ रुपए की लागत वाले नए बाईपास और साथ ही वैन गंगा पुल समेत तीन बड़े पुल की सौगात मिली है। इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की अतिरिक्त लागत 100 करोड़ रुपए है, तो कुल 521 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट भंडारा के लोगों के लिए एक उपहार की तरह है। दरअसल देश के पूरब से पश्चिम तक के इलाके को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 53 भंडारा के शहरी इलाकों से गुजरता है। इतना अहम नेशनल हाईवे होने की वजह से रायपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से नागपुर और मुंबई जाने वाले इंडस्ट्रियल हेवी ट्रैफिक का सामना भंडारा शहर को करना पड़ रहा था। सड़क जाम, रोड एक्सीडेंट तो ट्रैफिक की वजह से रोजमर्रा की दिक्कतें यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में देखते ही देखते सड़क विकास का नया दौर शुरू हो गया। सड़क विकास और निर्माण की नई नई परियोजनाएं लाई गई और इसी क्रम में भंडारा बाईपास का शिलान्यास हो रहा है, जिसमें वैन गंगा नदी पर 6 लेन का नया पुल भी शामिल है। अब जानते हैं भंडारा बाईपास की खासियत। भंडारा बाईपास लंबाई 14.80 किलोमीटर, चौड़ाई 32 मीटर शोल्डर और मीडियन के साथ, रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा, लागत 421.80 करोड़ रुपए, 60 हेक्टेयर लैंड एक्विजिशन की लागत 100 करोड़ रुपए, 6 लेनों की आवाजाही की सुविधा, सर्विस रोड की सुविधा। वहीं इस प्रोजेक्ट में वैन गंगा नदी पर नए पुल समेत 3 बड़े पुल और 3 छोटे पुल शामिल हैं, 2 फ्लाईओवर और 17 वेहिकुलर अंडरपास होंगे। बाईपास और पुल के दोनों तरफ लाइट की सुविधा होगी, 6 बस शेल्टर बनाए जाएंगे। वैन गंगा नदी पर पुल की दूसरी खासियतों के बारे में बात करें तो लंबाई 600 मीटर, हाई एम्बैंकमेंट पहुंच मार्ग 600 मीटर, कुल लंबाई 1200 मीटर स्पैन अरेंजमेंट 50x12, फाउंडेशन पाइल, सुपर स्ट्रक्चर सेगमेंटल बॉक्स टाइप। अब भंडारा में इस सौगात से क्या बदल जाएगा इसे जानते हैं। नागपुर से रायपुर की बेहतर कनेक्टिविटी होगी। वैन गंगा नदी पर नए 6 लेन पुल से ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। भंडारा शहर में यातायात सुगम हो जाएगा और पूर्वी विदर्भ से लगी हुई कृषि मंडियों से बेहतर कनेक्टिविटी होगी। साथ ही समय और ईंधन की बचत होगी और सफर सुरक्षित होगा। भंडारा जिले और नितिन गडकरी जी का रिश्ता कोई नया नहीं है। वो समय समय पर यहाँ विकास की योजनाएं लाते रहते हैं। उन्होंने भंडारा जिले में 229 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं, जबकि पहले केवल 63 किलोमीटर के हाईवे ही जिले में थे। इसके अलावा जिले में NH-53 पर 3 किलोमीटर लंबा 241 करोड़ रुपए की लागत का साकोली फ्लाईओवर बनकर तैयार है। 3.5 किलोमीटर लंबा 270 करोड़ रुपए की लागत का लाखनी फ्लाईओवर करीब करीब पूरा हो चुका है। वहीं NH-53 पर वन प्राणियों के लिए 360.80 करोड़ की लागत वाला बहुप्रतिष्ठित मिटिगेशन स्ट्रक्चर का काम अब शुरू हो चुका है। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड ही है और याद दिलाता है, वो जो कहते हैं वो करते जरूर हैं।